वाराणसी केंद्रीय कारागार में बुधवार को एक स्टेनलेस स्टील निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्य में भारत में सबसे बड़े स्टेनलेस स्टील निर्माता जिंदल स्टेनलेस ने मदद की। जिंदल स्टेनलेस के फैब्रिकेशन विशेषज्ञों ने वाराणसी केंद्रीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक अमरीश गौर और उनकी टीम की मौजूदगी में 50 शॉर्टलिस्ट किए गए कैदियों के साथ 3 महीने लंबे इस कार्यक्रम के पहले चरण का आयोजन किया। इस पहल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हर किसी को नया कौशल सीखने और अपना भविष्य बनाने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया कभी भी नहीं रुकनी चाहिए और यह कार्यशाला उसी दिशा में कदम है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आगे आने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हम जिंदल स्टेनलेस के आभारी हैं। इस कार्यक्रम से कैदियों को अपनी सजा पूरी करने के बाद एक सम्मानित एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद मिलेगी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें बंदियों की, उसके माध्यम से बंदी जो है अपना बनाया हुआ माइल्ड स्टील का फर्नीचर अभी तक बाजार में देते रहे हैं डिमांड पर, और अब आधुनिक मार्केट में स्टेनलेस स्टील के फर्नीचर की डिमांड बढ़ी है, तो उसको मद्देनज़र इनको जिंदल स्टील पे जो है वो ट्रेनिंग दिला रहा है एसएस यानी स्टेनलेस स्टील के फर्नीचर इत्यादि के फैब्रिकेशन के कार्य। कितने अभी कैदियों को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जो है 20 को दिया जा रहा है। क्या क्या सिखाया जा रहा है उन लोगों को और क्या क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है? फैब्रिकेशन का पूरा कार्य सिखाया जा रहा है और आवश्यकता अनुसार उनको जो आवश्यकता पड़ेगी जैसी मार्केट की डिमांड होगी उस तरह की सामग्री मुहैया कराई जाएगी।